दीक्षाभूमि क्षेत्र में भूमिगत पार्किंग का मुद्दा जोरों से उठता हुआ दिख रहा है। उसी बीच डॉक्टर राजेंद्र गवई ने पत्र परिषद का आयोजन कर स्मारक समिति के अध्यक्ष भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई पर आरोप लगाया है कि उनके अड़ियल रवैये के कारण विकास रुक रहा है। दीक्षा भूमि परिसर में भूमिगत पार्किंग का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे पर जहां दो पक्ष सामने आ रहे हैं, वहीं अब स्मारक समिति के सदस्य भी पार्किंग के विरोध में खड़े हो गए हैं। साथ ही स्मारक समिति के अध्यक्ष भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। मंत्री निर्वाचन सचिव का भी सम्मान नहीं करते और अधिकार भी नहीं दे रहे हैं। उनके अड़ियल रवैये के कारण विकास रुक रहा है, ऐसी भावना डॉक्टर राजेंद्र गवई ने प्रेस वार्ता में व्यक्त की है। यदि समाज दीक्षा भूमि पर भूमिगत पार्किंग नहीं चाहता तो हम उनके साथ हैं, लेकिन भंते ने अध्यक्ष होने के नाते स्तूप और बोधि वृक्ष के अस्तित्व को खतरा न हो इसके लिए नोडल एजेंसी NMRDA से रिपोर्ट मंगवाने का आह्वान किया। भंते ससाई स्मारक समिति के अध्यक्ष होने के नाते NMRDA से ऐसी रिपोर्ट मांग सकते हैं। यह रिपोर्ट या हलफनामा मिलने के बाद इसे समाज के सामने रखा जा सकता है। इसके अलावा समाज के कुछ विशेषज्ञों के माध्यम से इसका अवलोकन किया जा सकता है, ताकि भूमिगत पार्किंग के कारण क्या हो सकता है इसकी जानकारी जनता के सामने लाई जा सके। इसके बाद भूमिगत पार्किंग को लेकर जनता का भ्रम दूर हो जाएगा। दीक्षा भूमि में भूमिगत पार्किंग का जनता विरोध करी है, इसे लेकर समिति के सदस्यों ने रोष व्यक्त करते हुए संवाद साधा। बंते ससाई को भी इसके लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे नहीं आए। हालांकि इस संवाद से कुछ भ्रम दूर करने की कोशिश की गई। समिति सदस्य पद्मश्री डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम, विलास गजगाटे, NR सोटे, प्राध्यापक डॉक्टर प्रदीप आगलावे, प्राध्यापक DP दाभाडे एवं अन्य उपस्थित थे। जी, आमच्या समितीचे अध्यक्ष या नागार्जुन सुरेश ससाई यांनी कोणताही अधिकार दिला नाही, किंबहुना तुमचे सगळे अधिकार काढले गेले असल्याचं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं। ते पत्र ज्याच्यामध्ये आमचे पूर्ण अधिकार जे काढलेले आहेत ते पत्र आम्ही तुमच्याकडे ठेवलं आहे। आणि हे जे ॲग्रीमेंट झालं अंडरग्राउंड पार्किंगचं, हे भंते ससे सुराई आणि फुलजेले साहेब यांनी ते ॲग्रीमेंट केलं। आज आम्हाला NIT ला पत्र लिहिण्याचा कोणताही अधिकार नाही। आज आम्ही पत्र लिहिलेलं आहे, जे पत्र आम्ही तुमच्याकडे दिलेलं आहे, आम्ही भंतेंना पत्र लिहिलेलं आहे की त्यांनी NIT कडे पत्र लिहावं आणि या अंडरग्राउंड जी पार्किंग आहे त्याबाबत माहिती काढा द्यावी। ही जी अंडरग्राउंड पार्किंग आहे याच्याकडे याच्यामुळे बोधी वृक्षाला त्रास होणार नाही, स्तूपाला त्रास होणार नाही, याची संपूर्ण माहिती NIT चेअरमॅन कडून आदरणीय भंतेंनी काढावी, तज्ज्ञ कमिटीकडून काढावी आणि तो जो काही रिपोर्ट येईल तो रिपोर्ट आम्ही समाजाच्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराच्या इंजिनियर समोर ठेवणार, त्यांची अनुमती घेणार। थोडीसा जरी डाऊट आला, किंचित जरी डाऊट आला आणि जर स्तूपाला आम्हाला वाटलं की धोका होत आहे, बोधी वृक्षाला धोका होत आहे, आम्ही अंडरग्राउंड पार्किंग होऊ देणार नाही, हे आम्ही या सगळ्या सदस्यांच्या समोर तुम्हाला सांगतो आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ मनीष टेंबळे की रिपोर्ट।